बच्चों, आपको पढ़ाने जा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम या आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, करंट डेंसिटी जीरो, पोलराइजेशन वेक्टर जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो, करंट डेंसिटी जीरो, पोलराइजेशन वेक्टर जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो। यहाँ पर एप्सिलॉन परमिटिविटी है डाइइलेक्ट्रिक की या नॉन कंडक्टिंग मीडियम की, म्यू परमेबिलिटी है नॉन कंडक्टिंग मीडियम की। अब देखिए डी का मान एप्सिलॉन ई है, डी का मान एप्सिलॉन ई है। डी का मान एप्सिलॉन ई है और बी का मान म्यू एच है। एक मिनट बच्चों, बी का मान म्यू एच, बराबर एप्सिलॉन ई है, डी बराबर एप्सिलॉन ई है, बी बराबर म्यू एच है। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू म्यू एच है, बी की वैल्यू म्यू एच है। अब मैक्सवेल रिलेशंस देखिए, मैक्सवेल्स रिलेशन डेल डॉट डी बराबर आपका रो है, डेल डॉट डी बराबर रो है, डी की जगह रख दिया डाइवर्जेंस एप्सिलॉन ई, रो की वैल्यू जीरो रख दिया, तो डेल डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेल डॉट बी बराबर जीरो, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी का मान म्यू एच बराबर जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ एच बराबर जीरो। ये दूसरा मैक्सवेल रिलेशन, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, ये सेकेंड रिलेशन है, ये सेकेंड रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकेंड रिलेशन है। अब देखिए तीसरा रिलेशन, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवल डी अपॉन डेवल टी, आपका डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवल डी अपॉन डेवल टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवल डी अपॉन डेवल टी, तो डेल क्रॉस एच जे की वैल्यू है जीरो, डी का मान एप्सिलॉन ई अपॉन डेवल टी, तो डेल क्रॉस एच
बराबर एप्साइलन डेवर ई अपॉन डेवर टी, डेवर ई अपॉन डेवर टी। ये चौथा मैक्सवेल रिलेशन है। तीसरा देखिए, ये आपको फोर्थ पहले लिख गए हम। अब देखिए डेल क्रॉस ई माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, डेल क्रॉस ई, डेवर अपॉन डेवर टी म्यू एच। तो डेल क्रॉस ई बराबर माइनस म्यू डेवर एच अपॉन डेवर टी। ये मैक्सवेल का तीसरा रिलेशन है, थर्ड रिलेशन है मैक्सवेल। इस तरीके के चार मैक्सवेल रिलेशन बने। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, डेल स्क्वायर ई, डेल स्क्वायर ई म्यू एप्साइलन, म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर एच, डेल स्क्वायर एच म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर एच अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ये चौथा रिलेशन, डेल स्क्वायर ई म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर एच म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर एच अपॉन डेवर टी स्क्वायर। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, उससे कंपेयर करिए, डेल स्क्वायर वाई वन अपॉन वी स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर। तो इससे वन अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू म्यू एप्सिलॉन वी बराबर अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, वी बराबर अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ये वेलोसिटी है ईएम वेव की नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, मीडियम। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ये वेलोसिटी है ईएम वेव की नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। अब देखिए म्यू का मान म्यू आर म्यू नॉट है, म्यू आर म्यू नॉट है। एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमेबिलिटी है और म्यू आर रिलेटिव, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी है और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी है।
रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो अब v की वैल्यू जो है वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन एयर और वैक्यूम इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, v की वैल्यू जो आ गई 1/ अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन है। तो v की वैल्यू 1/ अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो v की वैल्यू 1/ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये क्या आ गया c के बराबर, c/ अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये वेलोसिटी v EM वेव की c/ अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर। जा देखिए नॉन कंडक्टिंग मीडियम में या आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में या आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डे वर डी अपॉन डे वर टी। तो डेल क्रॉस एच जे की वैल्यू 0, डे वर अपॉन डे वर टी एप्सिलॉन ई। तो डेल क्रॉस एच बराबर एप्सिलॉन डे वर ई अपॉन डे वर टी, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डे वर बी अपॉन डे वर टी। तो डेल क्रॉस ई डे वर अपॉन डे वर टी, बी का मान म्यू एच बाहर हो गया, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस म्यू डे वर एच अपॉन डे वर टी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू एप्सिलॉन डे वर स्क्वायर ई अपॉन डे वर टी स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन डे वर स्क्वायर ई अपॉन डे वर टी स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन डे वर स्क्वायर ई अपॉन डे वर। डेल स्क्वायर एच बराबर म्यू एप्सिलॉन डे वर स्क्वायर एच अपॉन डे वर टी स्क्वायर। कंपेयर करिए डेल स्क्वायर वाई बराबर 1/ वी स्क्वायर डे वर स्क्वायर वाई अपॉन डे वर टी स्क्वायर। तो 1/ वी स्क्वायर की वैल्यू म्यू एप्सिलॉन, 1/ वी स्क्वायर की वैल्यू म्यू एप्सिलॉन। तो v का मान आ गया 1/ अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, म्यू का मान म्यू आर म्यू नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया। तो ये म्यू आर एप्सिलॉन आर उधर ही रहेगा, c/ दिस हो जाएगा, c/ दिस। अब इससे बच्चों इससे पता चला म्यू आर की वैल्यू भी 1 से बड़ी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी 1 से बड़ी है। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर एप्सिलॉन आर दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इस स्थिति में वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन एयर और वैक्यूम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन एयर और वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन एयर और वैक्यूम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स एन का मान सी अपॉन वी, एन का मान सी अपॉन वी है, सी अपॉन वी, वी की वैल्यू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, कट गया, एन का मान आ गया अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, एन की वैल्यू आ गई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, म्यू आर एप्सिलॉन एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बराबर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर नॉन कंडक्टिंग मीडियम का एन अपॉन म्यू आर टाइम्स, एन अपॉन म्यू आर टाइम्स पॉइंटिंग वेक्टर फॉर फ्री स्पेस, पॉइंटिंग वेक्टर फॉर फ्री स्पेस, पॉइंटिंग वेक्टर फॉर फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग मीडियम का पॉइंटिंग वेक्टर एन अपॉन म्यू आर टाइम्स है पॉइंटिंग वेक्टर फॉर फ्री स्पेस, पॉइंटिंग वेक्टर फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, एन अपॉन म्यू आर टाइम्स है पॉइंटिंग वेक्टर फॉर फ्री स्पेस। अब ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, वैद्युत चुंबकीय माध्यम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये देखिए, पहला है करंट डेंसिटी जे की वैल्यू सिग्मा ई है, करंट डेंसिटी जे की वैल्यू सिग्मा ई है, पोलराइजेशन वेक्टर पी का मान ज़ीरो है, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है, ठीक है, म्यू परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम म्यू परमेबिलिटी है कंडक्टिंग मीडियम की, एप्सिलॉन परमिटिविटी है ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, एप्सिलॉन परमिटिविटी है कंडक्टिंग मीडियम की, एप्सिलॉन परमिटिविटी है कंडक्टिंग मीडियम की। अब देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू डी का मान एप्सिलॉन ई है, एप्सिलॉन ई, बी का मान म्यू एच है, बी का मान म्यू एच है, बी का मान म्यू एच है, डी का मान एप्सिलॉन ई है, बी का मान म्यू एच है। मैक्सवेल का पहला रिलेशन डेल डॉट डी बराबर रो, तो डेल डी की जगह एप्सिलॉन ई, रो की जगह जीरो, तो डेल डॉट ई बराबर ज़ीरो है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ज़ीरो। तो ये है आपका डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, ये आपका हो गया डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। दूसरा मैक्सवेल रिलेशन है डेल डॉट बी बराबर ज़ीरो, तो डेल
बी की वैल्यू म्यू एच, तो डेल डॉट एच बराबर जीरो। ये दूसरा मैक्सवेल रिलेशन। तीसरा मैक्सवेल रिलेशन है डेल क्रॉस ई। तीसरा मैक्सवेल रिलेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी। डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर ई अपॉन डेवर टीवर बी अपॉन, तो डेल क्रॉस ई डेवर अपॉन डेवर टी बी का मान म्यू एच, तो डेल क्रॉस ई बराबर माइनस म्यू डेवर एच अपॉन डेवर टी। ये तीसरा मैक्सवेल रिलेशन। ये पहला मैक्सवेल रिलेशन, ये फर्स्ट है, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, ये सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, ये थर्ड फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। देखिए फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी। डेल क्रॉस एच जे की वैल्यू सिग्मा ई, डेवर अपॉन डेवर टी एप्सिलॉन ई, डेवर अपॉन डेवर टी बराबर एप्सिलॉन ई। तो यहाँ पर आ गया डेल क्रॉस एच बराबर, डेल क्रॉस एच बराबर सिग्मा ई एप्सिलॉन डेवर ई अपॉन डेवर टी, डेवर ई अपॉन डेवर टी। ये चौथा मैक्सवेल रिलेशन हो गया, ये चौथा मैक्सवेल रिलेशन हो गया। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन बताना है, तो देखिए जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, जे बराबर सिग्मा ई, पी की वैल्यू जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो, म्यू परमेबिलिटी है कंडक्टिंग मीडियम की, एप्सिलॉन परमिटिविटी है कंडक्टिंग मीडियम की, डी का मान एप्सिलॉन ई है, बी का मान म्यू एच है, डी की वैल्यू लिख दिया एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन बाहर आ गया, डेल डॉट ई बराबर जीरो, डेल डॉट बी बराबर जीरो, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी की वैल्यू है म्यू एच, म्यू बाहर निकाल के कर दिया तो डेल डॉट एच बराबर जीरो। फिर तीसरा डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, तो डेल क्रॉस ई माइनस में डेवर अपॉन डेवर टी म्यू एच, म्यू बाहर निकाला, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस म्यू डेवर एच अपॉन डेवर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, तो डेल क्रॉस एच बराबर सिग्मा ई डेवर अपॉन डेवर टी एप्सिलॉन ई। ये आपका, तो ये मैक्सवेल के चारों रिलेशन आ गए हैं। अब देखिए डिफरेंशियल फॉर्म आपका है, डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल स्क्वायर ई, डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर ई डेल स्क्वायर ई म्यू सिग्मा डेवर ई अपॉन डेवर टी, म्यू सिग्मा डेवर ई अपॉन डेवर टी, म्यू एप्सिलॉन
डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर। इसी तरीके से डेल स्क्वायर एच म्यू सिग्मा डेवर एच अपॉन डेवर टी, म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर एच अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ये बच्चों और एक क्लास डालेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्लास कर रहे हैं तो डाउनलोड नहीं हो पा रही है, इसलिए छोटी छोटी क्लास करके हम आपका तुरंत सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पेपर आज कल में ख़त्म हो जाए, फिर हम अदर पेपर पे आए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जल्दी से डिस्कस कर लें, फिर पहले थर्ड करेंगे फिर सेकेंड।